हाय एवरीवन, टेकीज में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने IRCTC में लॉगिन बनाना सीखा था। आज हम लोग देखेंगे कि मील कैसे बुक किया जाता है, फूड कैसे बुक किया जाता है। आप जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो मील एक खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मील प्रॉब्लम करता है। बट नाउ डेज IRCTC मील भी प्रोवाइड करती है, आप इजली मील बुक कर सकती हो और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके द्वारा आप अपने फूड या मील या फेवरेट फूड बुक कर सकते हो। नाउ डेज IRCTC के थ्रू आप डोमिनोज पिज़्ज़ा भी बुक कर सकते हो। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि मील कैसे बुक किया जाए, फूड कैसे बुक किया जाए। तो ये IRCTC की वेबसाइट है। जब आप लॉगिन करते हो तो IRCTC की वेबसाइट में ये URL यूज करते हो, लॉगिन करते हो। तो जब आप देखते हो तो इसमें से आप क्या देखते हो कि ये मील एक यहाँ पर इसने एक लिंक प्रोवाइड करा है। तो इस लिंक में दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ई कैटरिंग और मेन्यू रेट्स। तो एज्यूम दैट कि आप मेन्यू रेट्स देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, मेन्यू रेट्स पे। तो मेन्यू रेट्स पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आने लगते हैं, जैसे मेल एक्सप्रेस हम सफ़र में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन सी मील्स अवेलेबल्स हैं। तो आप देख सकते हो बीवर्जेज है, ब्रेकफास्ट है, मील है। उसी तरह राजधानी में आप देख सकते हो कि फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी में क्या क्या मेन्यू अवेलेबल है, राइट। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन है। तो एज्यूम करो कि आप मेल एक्सप्रेस हमसफर में आप रेट देखना चाहते हो। तो जब आप ब्रेकफास्ट, आप बीवर्जेज ले लो, बीवर्जेज में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ रेट ऑप्शंस, रेट आपको पता चलने लगा कि क्या रेट अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो टी चाय के रेट 5 रुपीज़ है स्टेशन पे, और ट्रेन में भी 5 रुपीज़ है। टी आप टी बैग के साथ लेते हो 150 ml, तो 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ डिक्लेयर्ड है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि प्राइस क्या है। अगर कोई भी ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने मेन्यू रेट मैंने चेक करा है और 5 है, तो आप 10-15 रुपीज़ क्यों ले सकते हो। इसी तरह आप देखोगे तो ब्रेकफास्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे ब्रेड बटर कटलेट 25 रुपीज़ चार्ज करते हैं स्टेशन पर, और ट्रेन पर 30 रुपीज़, इडली वाड़ा ये 30 रुपीज़। तो ये एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको मेन्यू रेट मिल जाएंगे, जिससे कोई अगर आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, आप बता सकते हो कि नहीं, ये रेट आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, ये मिनिमम होना चाहिए। इसी तरह मील आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट मील अवेलेबल है IRCTC प्रोवाइड करती है, और उसके चार्ज भी मेंशन हैं। ओके, तो यहाँ से आप मेन्यू रेट जान सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है, राजधानी में क्या क्या अवेलेबल है आप ये देख सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कि एज्यूम करो कि आप कोई मील ऑर्डर करना चाहते हो, डोमिनोज पिज्ज़ा ही ऑर्डर करना चाहते हो, या कोई मील स्टेशन से ऑर्डर करना चाहते हो, कि किस तरह करोगे। तो मेन्यू रेट के थ्रू तो आपको रेट प्रोवाइड हो गया, रेट पता चल गया कि स्टेशन में क्या रेट है और ट्रेन में क्या रेट है। ई कैटरिंग के थ्रू आप मील ऑर्डर कर सकते हो। सबसे अच्छी फैसिलिटी IRCTC प्रोवाइड कर दी कि आप मील ऑप्शन, मील बुक कर सकते हो, यहाँ तक कि आप डोमिनोज पिज्ज़ा भी बुक कर सकते हो। तो आप ई कैटरिंग पर क्लिक करो, जब आप क्लिक करोगे आपको ये पेज प्रोवाइड होगी। यहाँ पर ओनली क्या करना है, आपको 10 डिजिट्स नंबर, PNR नंबर आपको इंटर करना है। जैसे मैंने यहाँ डाला PNR नंबर 3177689679 67, राइट, 1 मिनट, मैंने डाला 3177689 67, राइट, 9 67। उसके बाद आपको क्लिक गो पर क्लिक करना है। तो जब आप गो पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के मेनू ऑप्शन से अवेलेबल हो जाएंगे, आप मेनू मिल जाएगा, इस तरह के मेनू ऑप्शन से अवेलेबल होंगे, मेन्यू ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी ट्रेन की जर्नी नेम आ जाता है, पांडिचेरी एक्सप्रेस, यहाँ पर डेट ऑफ जर्नी, ट्रेन नंबर, PNR नंबर, और बोर्डिंग, कहाँ से आपने बोर्डिंग करा है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस के नेम आ जाते हैं, ये जैसे फर्स्ट KGM स्टेशन है, ये BWTF स्टेशन, मतलब कहाँ आप फूड कहाँ मंगाना चाहते हो। तो आप मान लो ये सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के नाम आने लगते हैं, थाली राजस्थानी, स्पाइसी बिरयानी। नाउ आप जैसे थाली राजस्थानी से बुक करना चाहते हो तो आप थाली राजस्थानी पर क्लिक करोगे तो
क्लिक करने पर आपको डिफरेंट डिफरेंट मेनू यहाँ अवेलेबल होने लगते हैं, आप देख सकते हो मेनू। तो वेज कटलेट है तो उसके प्राइस भी अवेलेबल हो रहे हैं कि क्या प्राइस है वेज कटलेट के, चिकन मंचूरियन के प्राइस क्या है, तो ये सब अवेलेबल होने लगता है। ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप सेलेक्ट करोगे तो उसमें आपके नेम और आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, किस स्टेशन पर चाहिए उसके स्टेशन का नेम आ जाता है और आपके बर्थ का डिटेल भी आ जाता है कि B138 में चाहिए। अब फाइनली आप कंफर्म कर सकते हो, यहाँ पर टोटल प्राइस आ जाएगा, टोटल इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे और यहाँ पर आप बुक कर सकते हो। इवन दो आप कॉल भी कर सकते हो, अगर देरी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हो। इस तरह आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, दिस इज द इजी वे। आप फूड ऑर्डर करो यहाँ पर, जैसे आपने थाली राजस्थानी, आप पिज्ज़ा बुक करना चाहते हो तो आप डोमिनोज सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, कैटरिंग के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो IRCTC ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोवाइडर से कांटेक्ट कर रखे हैं, जो आपको इजिली फूड आपको आपके बर्थ पर ला कर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।